ओके स्टूडेंट्स, सो अ टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन बाय थ्री डिजिट नंबर्स। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि थ्री डिजिट नंबर्स का कैसे होता है। ओके, सो देयर आर टू नंबर्स। अब सबसे पहले हम नंबर को लिखने से पहले प्लेसेस लिख लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स। स्टूडेंट्स, आपको थोड़े से, जैसे आपके पास थ्री डिजिट नंबर है और आपको थ्री डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप थोड़ी ज़्यादा प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। यू हैव टू राइट एटलीस्ट फाइव और सिक्स प्लेस वैल्यूज। ओके, सो फर्स्ट यू विल राइट डाउन द नंबर। सो फाइव, फोर, टू। ओके, अब ये वाला नंबर हम नीचे लिखते हैं, फोर, टू, एंड वन की प्लेस क्या है, हंड्रेड। तो ये हंड्रेड के नीचे, क्लियर। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे एंड देन विल ड्रॉ अ लाइन। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर एवरीबॉडी। अब हम क्या करेंगे, वंस वाला नंबर लेंगे, आपको तो आता ही है। वंस वाला नंबर है फोर, और सबसे पहले फोर से हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी का जीरो लेंगे और टू कैरी ओवर जाएगा। ओके, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन में कैरी ओवर को ऐड कर लेंगे। सिक्सटीन प्लस टू एटीन, एटीन का हम एट लिखेंगे और कैरी ओवर वन जाएगा यहाँ पे। ओके, अब फोर टू जा एट, एट में वन कैरी ओवर ऐड कर लेंगे, सो वी गेट नंबर नाइन। ओके, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। हमारा जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाए और आपने कैरी ओवर्स भी लिए हैं, तो आप सबसे पहले इन कैरी ओवर्स को रब कर देंगे, बिकॉज इन द सेकेंड स्टेप में भी आपके कुछ कैरी ओवर्स आएंगे, और अगर आपने पहले वाले कैरी ओवर्स को इरेज नहीं किया तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप अब हम लेंगे टू। फोर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन विल टेक नंबर टू। अब टू की प्लेस है टेंस, और हम क्या करेंगे, वंस के प्लेस पे यहाँ पे वन क्रॉस लगा देंगे और हम स्टार्ट करेंगे टेंस से। जैसा कि आपको लास्ट वीडियोस में मैंने समझाया था कि यहाँ पे टू की प्लेस टेंस है, और हम यहाँ पे सारे नंबर्स को टू से नहीं, टेंस यानी ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो वन वन नंबर, वन वन प्लेस आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ क्रॉस लगाइए और आप यहाँ मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ओके, सो टू फाइव ज़ा, टू फाइव ज़ा टेन, टेन का जीरो एंड कैरी ओवर वन आएगा। ओके, टू फोर ज़ा एट, एट में वन कैरी ओवर ऐड करेंगे, नाइन। टू टू ज़ा फोर, यहाँ पे हम फोर लिखेंगे, यहाँ कोई कैरी ओवर नहीं है। ओके, अब हमारा टू स्टेप कंप्लीट, ये कैरी ओवर्स हमने इरेज कर दिया। लेट्स स्टार्ट थर्ड स्टेप। अब स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप ध्यान दीजिए, ये है वन, और वन की प्लेस क्या है, हंड्रेड। अब ये हम वन से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, बट अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये वन वन नहीं है, ये वन हंड्रेड है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ थर्ड स्टेप में हम नीचे लिखते हैं, वंस की प्लेस पे क्रॉस लगा देंगे, टेंस की प्लेस पे क्रॉस लगा देंगे, एंड वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हंड्रेड प्लेस। ओके, सो वन फाइव ज़ा फाइव, वन फोर ज़ा फोर, वन टू ज़ा टू, क्लियर एवरीवन। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, जीरो जीरो, एट प्लस जीरो एट, नाइन नाइन एटीन, एटीन एंड फाइव नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री का थ्री लिखेंगे एंड टू कैरी ओवर चला जाएगा। फोर फोर एट, एट एंड टू टेन, टेन का जीरो कैरी ओवर वन जाएगा यहाँ। टू एंड वन को प्लस करेंगे, थ्री, कंप्लीट एडिशन एंड देन we will rub the carryovers. So our question is solved. I hope students you all have understood.